देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हरियाणा प्रदेश के किसान अहम भूमिका अदा करते हैं। यही वजह है कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश के साथ साथ किसान प्रधान प्रदेश भी बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल चाहते हैं कि किसानों को उनकी मेहनत का सम्मान भी मिलना चाहिए, ताकि देश का अन्न भंडार हमेशा भरा रहे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के मेहनती और होनहार किसानों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू की है, जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश के किसान प्रगतिशील बनते जा रहे हैं। हरियाणा सरकार किसानों की हर समस्याओं का समाधान समय समय पर करती रहती है। ऐसे ही बागवानी करने वाले प्रगतिशील किसानों को अब तक सबसे बड़ी समस्या का सामना अपने उत्पाद को जल्द से जल्द मंडी तक पहुंचाने में करना पड़ता था, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही सरकार ने इस ओर प्रमुखता से ध्यान दिया, जिसके बाद गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाई गई है, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मंडी से किसान अपने उत्पाद को एक स्थान पर बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। हरियाणा का किसान अनाज के साथ साथ फल, सब्जियां और फूल तैयार करके देश की इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसका असर सूबे में साफ देखा जा सकता है, जिससे हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से किसानों का जीवन खुशहाल हो गया है, क्योंकि सूबे के ज्यादातर किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिससे पानी कम खर्च होता है और लोगों के साथ साथ खेतों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक फल, सब्जियां और अनाज महंगे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें खाद और कीटनाशक भी ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि केमिकल वाले। यही वजह है कि ज्यादातर किसान अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान राम प्रताप शर्मा हैं, जो ऑर्गेनिक तरीके से पानीपत के गांव सिवाहा में विदेशी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 4 रंग के तरबूज उगाए थे, जिसके बाद से वो चर्चा में हैं। राम प्रताप शर्मा करीब 6 एकड़ की जमीन पर फल और सब्जियों की खेती करते हैं। इसके अलावा बात विदेशी सब्जियों की करें तो वो अपने खेतों में थाईलैंड के टमाटर, बटरनट और कई तरह की सब्जियों का उत्पादन करते हैं। प्रगतिशील किसान राम प्रताप शर्मा ने बताया कि वो पारंपरिक खेती को छोड़कर कई साल से फल सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी 3 गुना हो गई है। राम प्रताप शर्मा का कहना है कि थाईलैंड की मशहूर सब्जी माने जाने वाली बटरनट की खेती उन्होंने यहां 2 साल पहले शुरू की थी। इस बटरनट की डिमांड बड़े शहरों में ज्यादा है। बटरनट बढ़िया मुनाफा देने वाली सब्जी है। ये 50 रुपए प्रति किलो के भाव से मार्केट में बिकती है। बड़ी बात यह है कि किसान को सब्जियां बेचने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता, लोग उनके फार्म पर ही सब्जियां खरीदने आ जाते हैं। मेरे पास टोटली सब्जी
इस टाइम में है तरबूज लगाया है, खीरा है, करेला है, तोरी है, काकड़ी है, बटरनट है और स्वीट कॉर्न है। बटरनट की डिमांड और कोई नहीं यहाँ, मतलब किसी और ने नहीं उगाया? अभी 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 है ना, कोई इसके पीछे है नहीं इतना रुझान। दिल्ली दाली में बिक्री है इसकी, अच्छा रेट मिल बढ़िया। हाँ बढ़िया रेट है इसका, बढ़िया सब्जी है इसकी। आपको कैसे आइडिया आया कि बटरनट देसी सब्जी है? यहाँ बस ऐसे ही कंपनियों से संपर्क हुआ, विदेशी कंपनियों से। आपने विदेशी क्या क्या लगाया है, किस किस? ये विदेशी तरबूज है, ये अपना चेरी टमाटर है, खरबूजा है, बटरनट है, कई आइटम है, स्वीट कॉर्न है। आप ट्रेडिशनल खेती को छोड़ के यही खेती? हाँ यही करते हैं हम लोग। तो इससे अलग क्या है ट्रेडिशनल खेती मेरी, इसमें इसमें काम ज्यादा है। उन्होंने बताया कि एक एकड़ से उन्हें साल में 5 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है, जबकि एक एकड़ में कुल लागत 2 लाख रुपए तक आती है। प्रगतिशील किसान राम प्रताप शर्मा बताते हैं कि वो अपने खेत में फल और सब्जियों की बिजाई ना करके उनकी पौध तैयार करते हैं, जिसके बाद रोपाई की तकनीक से खेती करते हैं, जिससे फसल की पैदावार भी ज्यादा होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। प्रगतिशील किसान राम प्रताप शर्मा बताते हैं कि इजराइल के कृषि वैज्ञानिकों का एक डेलीगेशन भी उनके खेत का दौरा कर चुका है और उन्हें सम्मानित भी कर चुका है। इसके साथ ही उन्होंने विदेशी चेरी टमाटर के बारे में भी जानकारी दी। आपके पास विदेशी डेलीगेशन आया था क्या? हाँ, कुछ बस उनको भी बढ़िया लगा, उसी करके आदमी को सला रहे। कहाँ का डेलीगेशन था? वो तो इसका साथ अपना इजराइल का। आपके यहाँ फार्म पे? फार्म पे हाँ, विजिट थी। विजिट थी हाँ। अभी आपने, आपको कुछ विदेशी पौधे भी मिले थे? नहीं वो पीछे थे, खत्म हो गए उसके थे अपने पपीते के। अभी आप चेरी टमाटर की बात कर रहे हैं? हाँ चेरी टमाटर, ये विदेशी है? हाँ ये विदेशी है। क्या रेट मिल रहा है इसका? इसका 100 रुपये किलो। और दूसरा टमाटर क्या रेट है? दूसरा तो 5 रुपये किलो। 5 रुपये किलो सीधा इतना। वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें कई मंचों पर सम्मान मिल चुका है, जिसके तहत उन्हें कई बार हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें हिसार यूनिवर्सिटी के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी सम्मान मिल चुका है। तो बाबू जी, किस अलग किस क्या क्या आपको सम्मान मिला है, क्या क्या कहां से आपको सम्मान? तो मेरे को सीएम साहब ने भी दे रखा है, राष्ट्रपति ने भी दे रखा है, किसान हरियाणा किसान रत्न से यूनिवर्सिटी से, हिसार यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सिर्फ इन्हीं 8 एकड़ की? हाँ 8-10-12 भी हो जाए हैं, टाइम की बात है। 6 एकड़ तो रहता है, 8 हो जाए 10 हो जाए, जैसा भी टाइम हो ना, जमीन खाली अंदर है उसके हिसाब से बिजाई अंदर है। प्रगतिशील किसान राम प्रताप शर्मा ने बताया कि वो सब्जियों के साथ साथ फलों में बेर, अमरूद, नाशपाती, आड़ू, अनार, मौसमी और ड्रैगन फ्रूट की खेती भी करते हैं, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। फ्रूट में बात करें तो फ्रूट में क्या? फ्रूट में बेर है, अमरूद है, नाशपाती है, आड़ू है और अपना अनार है, ड्रैगन है, ड्रैगन फ्रूट है, सभी आपके पास? हाँ 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 अवेलेबल है, सीजन पर, सीजन वाइज मौसमी है। एक बताए कि सारा आपका ऑर्गेनिक होता है या कुछ अलग? हाँ 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 बढ़िया, वो मतलब आपने जो मेरे यहाँ जब जब सामान जाता है ना, वो सारा ऑर्गेनिक जाता है। प्रगतिशील किसान राम प्रताप शर्मा ने अपने खेतों में अब तक 3 रंगों के तरबूज उगाने की तकनीक को विकसित किया है, लेकिन अब की बार उन्होंने 5 रंगों के तरबूज उगाए हैं, जिनकी कीमत बाजार में अलग अलग होती है, जो सामान्य तरबूज से महंगा होता है। अब की बार कितने तरह के तरबूज मार्केट में आएंगे आपके? 5। पहले कितने थे? 3। आपकी बार कौन कौन सा तरबूज है? एक तो संतरी अंदर से। नाम बताते रहिए साथ साथ। उसका नाम तो अभी नाम नहीं आया, उसका नाम तो अब आगे आएगा, अब अंडर ट्रायल है। अच्छा हाँ। और कौन कौन? थाईलैंड का है, ओ ये 2-3-4 है, का रहा है
अंदर से हरा, अंदर है लाल है पीला है कई है। प्रगतिशील किसान राम प्रताप ने 2019 में ताइवान के नस्ल के बीज ट्रायल के तौर पर अपने खेत में लगाए थे और उनका ट्रायल सफल हुआ। उन्होंने बताया कि इन तरबूजों की खेती करने के लिए वो 1 लाख प्रति किलो के हिसाब से बीज खरीद कर लाए थे और फिर उन्होंने 1 एकड़ में खेती शुरू की, जिसके बाद उन्हें 4 लाख प्रति एकड़ तक का मुनाफा हुआ। सामान्य तरबूज के बीज की कीमत बाजार में 25 से 30 हजार रुपए प्रति किलो है। प्रगतिशील किसान राम प्रताप शर्मा अपने खेत में फल और सब्जियों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं और उनके पास लोग दूर दूर से सब्जियां खरीदने के लिए भी आते हैं। वो अपना ज्यादातर समय अपने खेत में ही बिताते हैं और फल और सब्जियों की देखरेख करते हैं। उन्होंने दूसरे किसानों को सलाह देते हुए कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ नया करने की सोच रखनी चाहिए, जिसके तहत बागवानी और ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, जिसमें मेहनत ज्यादा जरूर लगेगी लेकिन मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद चाहते हैं कि प्रदेश का किसान मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए, जिसके लिए सूबे में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका फायदा लेकर प्रदेश का हर किसान खुशहाल बन रहा है।